सबसे पहले हम 2 बड़े चम्मच बेसन ले लेंगे। इसके बाद इसके अंदर नमक डालेंगे, थोड़ा जीरा ले लेंगे और इसके बाद हम खाने का सोडा इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी मिलाएंगे और उसे पानी मिलाने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थिकनेस इतनी रह जानी चाहिए। तेल हमारा गर्म हो रहा है, उसके बाद जितनी थिकनेस थी बेसन की उसके बाद उसको बारी बारी से वड़े को तेल में डाला जाएगा। सारी कढ़ाई भरकर जो है वड़े डाल दिए गए हैं। देख सकते हैं आप लोग, बड़े अच्छी तरीके से तलकर रेडी हो गए हैं। इसे अब हम पानी में डालेंगे। उसके बाद पानी में से अच्छी तरीके से बड़े को निकाल लिया जाएगा और पानी पूरा निकाल लेना है बड़े के, और उसे प्लेट में जमा दिया जाएगा। अब हमारे बड़े जो हैं इसके ऊपर गार्निश करने के लिए रेडी हो गए हैं। जो बड़े हैं वो तैयार होकर आ गए हैं, तो अब जो है इसके ऊपर जो है वो दही डाली जाएगी। देख लीजिए आप, इस तरीके से इसके ऊपर दही डाल दी जाएगी पूरी अच्छी तरीके से। इसके ऊपर आपने दही के अंदर हमने शक्कर मिक्स किया है थोड़ी सी, ताकि वो मीठी हो जाए। इसके बाद जो है वो खजूर और इमली की चटनी जो है मिक्स करके बनाई गई है, वो इसके ऊपर गार्निश कर दी जाएगी अच्छी तरीके से। वो भी अच्छी डाल दी गई है, स्वाद अनुसार नमक आ जाएगा, अपने स्वाद अनुसार ही डालना है इसको, ज़्यादा नहीं डालना है। चाट मसाला आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, जितना आपको डालना हो, मैंने थोड़ा लिया है, जिसे ज़्यादा टेस्टी पसंद है वो ज़्यादा ले सकता है। लाल मिर्च पाउडर, जिसे ज़्यादा तीखा खाना है वो ज़्यादा ले लें, लेकिन मैंने नॉर्मल लिया है, आपको जितना इस्तेमाल करना है आप उतना ले सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा अनार का दाना जो है वो इसके ऊपर गार्निश कर दिया जाएगा। डिश रेडी होकर बिल्कुल तैयार हो गई है दही वड़े की। और डिलीशियस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को फॉलो करें।